लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का पांचवा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है एक पुरखा एक पड़ोसी दो ताज। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। करा मुगल राज्य में हमें ऐसी दो चीज़ें मुगल राज्य का मतलब क्या होता है, जो मुगलों का साम्राज्य था, तो उस टाइम में जो काम हुए उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। कि मुगल राज्य ने हमें दो चीज़ें दी हैं जिनका जोड़ मिलाना मुश्किल है। ठीक है, जोड़ मिलाना मुश्किल है का मतलब क्या होता है कि वैसी दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जिनमें से एक है ताजमहल, आगरे में बनी वो खूबसूरत इमारत जो लोगों का मन मोह लेती है। यानी दो चीज़ें हैं जिनके जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता या उनके उनके जोड़ का कोई नहीं है, तो उसमें से एक क्या है, ताजमहल है जो कि बहुत खूबसूरत है। ठीक है, यह इमारत अकबर के पोते शाहजहाँ ने बनवाई थी। इसको बनवाने में उस समय 3 करोड़ रुपए लगे थे और यह 30 वर्षों में तैयार हुई। ठीक है, बहुत सारा पैसा भी इसमें लगा था और बहुत सारा समय भी लगा था, 3 करोड़ रुपए लगा था और 30 वर्षों में ये तैयार हुई है। पाठ को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, फिर कह रहा है रंग बिरंगे पत्थर एशिया के कोने कोने से मंगाए गए, तरह तरह के जवाहरात इकट्ठा किए गए, अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया गया, फिर अपनी देख रेख में शाहजहाँ ने यह इमारत तैयार करवाई। शाहजहाँ की प्यारी पत्नी का नाम था मुमताज महल, उसी की याद में यह इमारत तैयार कराई गई। यानी कि अपनी पत्नी की याद में शाहजहाँ ने यह इमारत तैयार करवाई थी। कहते हैं एक रात मुमताज ने एक भयानक सपना देखा। ठीक है, वह व्याकुल हो उठी यानी परेशान हो गई और शाहजहाँ से बोली मेरा अंत निकट है, मेरा अंत निकट है यानी मैं जल्द ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आप मेरी दो इच्छाएं पूरी करें। उसने दो इच्छाएं प्रकट की, मेरी दो इच्छाएं हैं, पहली आप दूसरा विवाह ना करें, दूसरी मेरी कब्र पर ऐसी इमारत बनाएं जो मेरे नाम को अमर कर दे। उसने कहा मेरी कब्र में ऐसी इमारत बनाएं जिससे बहुत समय तक लोग मुझे याद रखें। ठीक है, शाहजहाँ ने दोनों शर्तों को पूरा किया, किंतु जिन बच्चों की ममता के कारण मुमताज ने ऐसी प्रतिज्ञा पति से कराई उन बच्चों ने शाहजहाँ को ही कष्ट दिए। और औरंगजेब का नाम हम सभी जानते हैं, वो सबसे बड़ा द्रोही निकला। उसने अपने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार कर अपने पिता को कैदखाने में डाल दिया। ठीक है, तो कैदखाने में डाले जाने पर शाहजहाँ ने अपने पुत्र से ये प्रार्थना की कि मेरे कैदखाने में एक छेद करवा दो जहाँ से ताजमहल देखा करूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि शाहजहाँ ने पहली बात मुमताज ने उसको ताजमहल बनवाने की बात की, यानी या कोई ऐसी इमारत बनवाने की बात की जिसकी वजह से उसको लोग बहुत दिनों तक याद रख सकें। और दूसरी चीज़ उसने क्या की कि दूसरी शादी करने के लिए मना किया जिसकी वजह से उसके बच्चों की अच्छी देख रेख हो सके। तो लेकिन उसके पुत्र औरंगजेब ने उसी को कैदखाने में डाल दिया और उसने क्या कहा कि ऐसी जगह, उसने कहा कि मेरे कैदखाने में एक छेद करवा दो जहाँ से ताजमहल देखा करूँ। ठीक है, ताजमहल को देखने के लिए उसने अपने कैदखाने में एक छेद भी करवा दिया। ठीक है, बहुत से यात्री भारत में दो चीज़ विशेष रूप से देखने के लिए आते हैं, एक हिमालय और दूसरा ताजमहल। हिमालय संसार का सबसे बड़ा पहाड़ है और ताजमहल संसार की सबसे खूबसूरत इमारत। इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जिस समय पत्थरों का ये ताज बन रहा था उस समय अक्षरों का एक पूरा ताज तैयार हो चुका था। अक्षरों का ताज अब
जैसे कि यहाँ पे कहा गया पत्थरों का ताज, ठीक है, पत्थरों का ताज यानी ताजमहल में जिस तरीके से पत्थर लगे थे और वो सुंदर लग रहा था, उसी तरह एक कोई ग्रंथ है जिस, अब अक्षरों का ताज किस पे लगेगा, अक्षरों का ताज तो किस में लगेगा, ग्रंथों में लगता है, अक्षर तो ग्रंथों में होते हैं, तो अक्षरों का ताज, अक्षरों का ताज जैसे, हाँ अक्षरों का ताज, आज वो तुलसीदास जी का रामचरित मानस है जिसे साधारणतः तुलसीदास जी की रामायण के नाम से पुकारा जाता है। कालिदास के बाद तुलसीदास जी ऐसे कवि हुए जिनकी कविता को भारतीय जनता ने अपनी कविता मानकर सिर आंखों पर लिया। सिर आंखों पर लिया का मतलब होता है बहुत सम्मान देना, ठीक है, बहुत मान लेना, ठीक है। फिर है हिंदी भाषा, भारत में शायद ही कोई गांव या घर हो, हिंदी भाषी भारत में शायद ही कोई गांव या घर हो जहां तुलसीदास जी की रामचरितमानस, और शायद ही कोई आदमी हो जिसकी जीवा पर तुलसीदास जी की एक आध चौपाई ना हो, एक आध चौपाई सबको आती रहती है, ठीक है। तुलसीदास जी का बचपन एक अनाथ बच्चे की तरह कटा, उन्होंने घोर निर्धनता में दिन बिताए, कोई छाछ दे देता, छाछ यानी क्या दे देता, मट्ठा दे देता, तो उसे अमृत समझते। उन्हें भीख मांगते हुए देखकर एक साधु का ध्यान उनकी ओर गया, ठीक है, उसने इस बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया। बड़े होने पर तुलसीदास जी ने विवाह किया, किंतु उनका गृहस्थ जीवन सुखमय ना रहा, यानी कि उनकी पत्नी से नहीं बनी। फिर कह रहा है कि पत्नी से अलग होने पर उन्होंने कविता की ओर ध्यान लगाया, रामचरित्र से प्रेरणा ली और अपने आराध्य देव राम को लेकर कविताएं लिखनी शुरू की, किंतु यहाँ भी ये सुख पा न सके। इनकी हिंदी अवधी कविताएं ज्यों ज्यों जनता में प्रचार पाने लगीं, त्यों त्यों संस्कृत के पंडित इनके विरोधी होते गए, ठीक है। विरोधी होने का मतलब पहले लोग संस्कृत के ग्रंथों को ज़्यादा महत्व देते थे, अब इनकी हिंदी में लिखी हुई ये कविताएं ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इस वजह से वो लोग इनका विरोध करने लगे। जिस तरह शाहजहां ने देश के रंग बिरंगे पत्थरों और जवाहरात को मंगाकर ताजमहल को संवारा, उसी तरह तुलसीदास ने वेद पुराण दर्शन नीति काव्य आदि ग्रंथों से सूक्तियाँ लेकर अपने रामचरितमानस को अपूर्व ग्रंथ बना दिया। पत्थर तो भिन्न भिन्न जगहों के ही थे, किंतु ताजमहल इसमें तरतीब से लगे एक अपूर्व शोभा की सृष्टि हुई। अपूर्व शोभा की सृष्टि का मतलब होता है कि ऐसी रचना पहले कभी नहीं हुई। इसी प्रकार अनेक ग्रंथों से ली गई ये सूक्तियाँ मानस में आकर इस तरह निखर पड़ी कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ तक बन गई। यानी बहुत सारे ग्रंथ थे, उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं उनको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रख दी। तुलसीदास जी ने लंबी उम्र पाई, उनका देहांत काशी में हुआ था। इन दो ताजों के कारण मुगल राज्य का उल्लेख गर्व के साथ किया जाता है। आगे देखिए, इसी कहानी से एक अटैच है, आदमी या हवा, ठीक है। हवा का मतलब होता है कोई भयानक चीज, ठीक है। हाँ वो अजीब आदमी था, अजीब आदमी यानी अलग तरीके का आदमी। वह दूध पीता हुआ बच्चा उसका नाम सुन ले तो दूध पीना छोड़कर अपनी माँ की गोद में दुबक जाए। पानी पीते हुए घोड़े के सामने उसका नाम कह दीजिए, घोड़ा मुंह ऊंचा करके चारों ओर देखने लग गए। अंग्रेज लोग उससे घृणा करते थे। एक बार एक अंग्रेज सेनापति ने उसके सामने से लौट कर लिखा है, क्या लिखा है उसने, अगर वो कहता कि तुम पीठ के बल लेट जाओ मैं उस पर लात धरकर आगे बढ़ूंगा तो मैं चट लेट जाता। यानी इतना डरा हुआ था वो अंग्रेज कि उस वो जो भी कहता वो तुरंत कर देता, इसमें कोई शक नहीं। उफ, वह सचमुच कमांड करने के लिए जन्मा है। कमांड करने के लिए जन्मा का मतलब यानी उसकी बात सब कोई मानता है और वो जो भी बोलता है सब लोग उसकी बात को मान जाते हैं। उसका नाम आज भी लोगों पर रोब बरसाता है। नेपोलियन, उसका नाम क्या था, नेपोलियन, ठीक है।
नेपोलियन बचपन में एक दुबला पतला लजीला सा लड़का, लजीला मतलब जिसको शर्म आया था, किंतु जो कोई उससे छेड़खानी करता वह उसे सबक जरूर सिखाता था। 9 साल की उम्र में सैनिक विद्यालय भेजे जाने पर उसने बड़ी लगन और धुन से सारी चीजें सीखी। रोम के वीरों की कथा पढ़ने में वो अगाता नहीं था, अगाता नहीं था यानी कि उसे बहुत आनंद आता था। ठीक है, क्या होता था उसे? बहुत आनंद आता था। क्या? रोम के वीरों की कथा पढ़ने में। उसने अपनी माँ को लिखा था, उसने क्या लिखा था अपनी माँ को, कि हाथ में तलवार और जेब में रोमर के काब लेकर मैं सारे संसार को जीत लेने का सपना देख रहा हूँ। यानी रोमर के काव्य का मतलब होता है, होमर के काव्य का मतलब होता है, इसमें वीरों की कहानियाँ लिखी हुई होती थी जिनसे ये बहुत प्रभावित होता था। और हाथ में तलवार का मतलब होता था कि ये खुद एक योद्धा था और युद्ध करके पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। जिस समय वो सैनिक विद्यालय से निकलकर फौज में छोटा अफसर बना था, फ्रांस में क्रांति की आग धू धू करके जल रही थी। उसकी क्रांति की आग धू धू की यानी लोग क्रांति करना चाहते थे। उसने अपनी आंखों से देखा किस तरह लोगों ने राजा रानी के महल पर धावा बोला, किस तरह घसीट कर पेरिस लाया और फिर फांसी दी। वह कहा करता कि क्यों नहीं इन पागल क्रांतिकारियों को दंड दिया जाता। क्रांतिकारी उससे रुष्ट हो गए, किंतु एक समय ऐसा आया जब उसने इनकी मदद की, क्रांतिकारियों की इसने मदद की। क्रांतिकारियों ने इस नौजवान को अपनी रक्षा का भार दिया यानी इसको अपना नेता मान लिया। उसने क्रांति विरोधियों को दंड देकर नए प्रजातंत्र की रक्षा की। फिर इटली भेजा गया जहाँ उसने बड़ा नाम कमाया, वो इटली की सेना में सेनापति भी बना दिया गया। यूरोप छोटा है, मैं मिस्र और भारत को जीतने जा रहा हूँ, वो सेना लेकर मिस्र पहुंचा। जब वह मिस्र के पिरामिड के सामने पहुंचा तो उसने अपनी फौज को खड़ी करा कर कहा, दोस्तों देखो 4,000 शताब्दियां तुम्हारी ओर उत्सुकता से झांक रही हैं। यानी कि अगर तुम इस पे आक्रमण करोगे तो 4,000 शताब्दियों तक तुम क्या करोगे? राज करोगे। ठीक है, तुम्हें बता देना है फ्रांस के सैनिक कैसे होते हैं। इन सैनिकों ने चुटकियों में मिस्र जीत कर बता दिया कि ये क्या है। यानी वो बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाला योद्धा था। अब हमें हिंदुस्तान क्लाइव के सपनों को चूर करें, उसने सोचा, किंतु पाया कि अंग्रेज भी बैठे नहीं हैं, उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया है। अच्छा, तो यूरोप में ही हम अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे। ऐसा सोचकर वो फ्रांस आया। फ्रांस में क्रांति की लहर खत्म हो चुकी थी, चारों ओर अव्यवस्था थी, किसी की जान या माल खतरे से खाली नहीं। नेपोलियन को मौका मिल गया, धीरे धीरे वो सारे विरोधियों को दबाकर फ्रांस का सम्राट बन गया। तब यूरोप को जीतने में वो हिल पड़ा। क्रांति से जो जोश नौजवानों में जगा, उसका उपयोग वह साम्राज्य बनाने में करने लगा। ठीक है, पहले क्रांति करवाई और फिर नौजवानों में अपनी पकड़ बना ली। एक बार जब वो सेना के लिए जा रहा था, जब वह सेना लिए जा रहा था, रास्ते में अल्पस पहाड़ पड़ा, सेना रुक गई। सेना नायक ने कहा, अब आगे बढ़ना असंभव है। असंभव असंभव शब्द को कोष से निकाल दो। यानी वो कहता था कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अपना घोड़ा फंदाते हुए वो आगे बढ़ा और देखते ही देखते इस बर्फीले पहाड़ को सेना सहित से पार कर गया। वो आगे बढ़ा, उसके पीछे सब चल रहे थे, और धीरे करके वह उस पहाड़ को पार कर गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, हॉलैंड सब उसके ताबे में आ गए, सबको जीत लिया। रूस के जार ने जरा सिर उठाया तो 6 लाख सेना लेकर वो उस ओर दौड़ा और मास्को पर कब्जा करके ही रुका। लेकिन रूस की यह जीत ही उसकी हार हो गई। रूस वालों ने अपने शहर को खुद जला डाला, रास्ते के गांव को उजाड़ दिया। नेपोलियन को न खाना मिल सका न विश्राम। फिर वहाँ
का भयंकर जाड़ा, वहाँ से लौटा तो सिर्फ 1 लाख सैनिक ही बचे, यानी 6 लाख सैनिक लेके गया था और 1 लाख सैनिक ही बचे। यही मौका अंग्रेज देख रहे थे। नेपोलियन की ताकत जब घट गई तब तब चढ़ दौड़े। नेपोलियन ने लड़ने में कोई कसर ना की, किंतु वो थका हुआ था, उसकी फौज थकी हुई थी और निराश थी। वह हार गया। अंग्रेजों ने उसे कैद कर एक टापू में रख दिया। उसका जन्म भी एक टापू में हुआ था, वो मरा भी एक टापू में ही, किंतु थोड़े दिनों में ही कुछ ऐसा हड़कंप मचा दिया कि जब वीरता और निर्भीकता की चर्चा की जाती है तो उसकी तस्वीर लोगों की आंखों के सामने नाचने लगती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थ को पढ़ना है और इनको याद करना है। ठीक है, अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं, जैसे पाठ में आए दो ताज कौन कौन से हैं, तो एक क्या है, एक रामचरितमानस है, रामचरित मानस है, और दूसरा क्या है, दूसरा है ताज महल। ठीक है, लोग किन चीज़ों को देखने भारत आते हैं, तो एक हिमालय और दूसरा ताज महल। ओके, फिर कह रहा अक्षरों का ताज कौन सा है, तो अक्षरों का ताज है राम चरित मानस। नेपोलियन कैसे मारा गया, उसको एक द्वीप में, एक द्वीप में कैद करके कैद कर दिया गया, तब उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। और इसमें से निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है, बचपन यानी एक ऐसा वाक्य बनाना है जिससे जिसमें बचपन का नाम आए। ठीक है, जैसे गांधी जी के बचपन का नाम क्या था, मोहनदास था। क्या, मोहनदास। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें बचपन आ गया है, ऐसे ही वाक्य बनाना है। ठीक है, फिर कह रहा मिस्र जीतने के लिए निकल पड़ा, तो नेपोलियन क्या निकल पड़ा, किस लिए निकल पड़ा। ठीक है, तो मिस्र को जीतने के लिए निकल पड़ा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको भाषा में पढ़ाई जा चुकी हैं। फिर कह रहा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अजेय कहेंगे। क्या कहेंगे, अजेय, जिसका कोई हाथ ना हो, जिसका कोई नाक ना हो उसे क्या कहेंगे, अनाथ। ठीक है, तो इस तरीके से अब इनको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और इसमें शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, देखो जैसे जैसे ये क्या है, वी प्लस आकुल। ठीक है, बाकी आप लोग अपने से करिए इसको।